मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दादा दोड़ा डेयरी फार्म में। आज जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत हरियाणा नस्ल की गौमाता लेके आया हूं और जिसने अभी अभी अपनी बछड़ी को जन्म दिया है। तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा ताकि आप इसके बारे में लगभग सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कदकाठी के अंदर और श्याम रंग के साथ, श्याम रंग जैसा कि आप देख सकते हैं आगे और पीछे थोड़ा शेड्स के अंदर, इसको श्याम रंग बोलते हैं। और हरियाणा नस्ल जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर जालर व नाभी की बात करें तो नाभी बिल्कुल ही नहीं और जालर बिल्कुल कम, जो हरियाणा नस्ल की पहचान होती है। और हम्प साइज, एवरेज हम्प साइज आप इसका कह सकते हैं। और सींगों की बात करें तो सींग भी नॉर्मल एवरेज साइज के ही सींग है इसके। और आप जैसा कि देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी भारी अडर क्वालिटी के साथ, काफ़ी भाई वीडियो बनाते वक्त गौमाता का दूध रोक कर वीडियो बनाते हैं जिससे उसकी अडर क्वालिटी काफ़ी भारी और फटने को दिखाई देती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर ऐसा नहीं कहा जा सकता है इसकी बिल्कुल रियल पोजिशन, क्योंकि अभी इसने अपने बच्चे जन्म दिया है। और आप इसकी जो अडर क्वालिटी की पोजीशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अडर क्वालिटी की इसकी पोजीशन है। अगर थनों की बात करें तो काफ़ी अच्छे मुठियादार परफेक्ट साइज़ के थन, और थनों का बीच का जो गैप है बिल्कुल परफेक्ट थनों के बीच का गैप, जैसा कि आप देख सकते हैं। लंबी लटकदार पूंछ धरती को छूती हुई, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और काफ़ी कम गौमाताओं के अंदर देखने को मिलती है। अब आप गौमाता चलते हुए भी देख सकते हैं इसकी अडर क्वालिटी को और इसके पुट्ठे के साइज़ को, काफ़ी अच्छा बड़ा पुट्ठे के साइज़ के साथ। अगर इसकी बाकी डिटेल्स की बात करें तो दूसरी बार अब इसने अपनी इस बछड़ी को जन्म दिया, जो आप इसके सामने देख सकते हैं। और दूध की बात करें तो 14 लीटर कैपेसिटी का हम अनुमान लगा रहे हैं, जो कि इसके पिछले ब्यात के अनुसार अनुमान लगाया जाता है। तो ये तो होगी इसकी डिटेल्स की बात। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी गौमाताओं की वीडियो रेगुलरली रूटीन के अंदर लाता रहता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।